पिंकी भाई अपने कितनी देर से मछली पकड़ रहे हैं, कोई भी मछली हाथ में नहीं आ रही। अरे हाँ शिनचैन यार, मैं भी वही सोच रहा हूँ यार, इतनी देर से मछली पकड़ने का ट्राई कर रहे, एक मछली हाथ नहीं आ रही। गाइस मुझे तो समझ नहीं आ रहा हम गलत क्या कर रहे हैं। तो पिंकी भाई यार आपको तो बिल्कुल लगता है फिशिंग करनी नहीं आती। अरे नहीं नहीं शिनचैन यार, फिशिंग तो करनी आती यार, मैंने बहुत ज्यादा ऑनलाइन क्लासेस ली थी इसकी। तो पिंकी भाई यार ऑनलाइन क्लासेस लेने से थोड़ी फिशिंग सीखते। अरे पिंकी भाई ऊपर देखो। अरे शिनचैन क्या देखो। तो पिंकी भाई तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई क्या, देखो ये क्या, एक तो एक फ्लाइंग सॉसर गिर रहा है। अरे हाँ गाइस ये तो फ्लाइंग सॉसर एक UFO आके जमीन में गिर गया। अरे ये तो हम जहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं उसके बाजू में आके गिर गया। शिनचैन इधर आ देखते, शायद अपने से कोई एलियंस मिलने आए। अरे कौन है यार इसके अंदर। अरे शिनचैन ये तो बहुत अजीब सा फ्लाइंग सॉसर है। हाँ पिंकी भाई मुझे भी देखना है। अरे नहीं नहीं शिनचैन तो दूर रहे भाई, तू छोटा बच्चा है, तुझे कुछ लग गई तो। पिंकी भाई नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे तो जल्दी से जाके यहाँ पे जो है ना एलियन से मिलना है। अरे एलियन बाहर आ जाओ। अरे हाँ मैं बाहर आ रहा हूँ। अरे शिनचैन ये देख, ये तो थैनोस निकला इसके अंदर से। अरे भाग 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 भाग। अरे नहीं फ्रैंकलिन शिनचैन, मैं तुमको ही ढूंढता ढूंढता आया था, तुमको भागने की जरूरत नहीं है मेरे से। तुम जल्दी से पानी से बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे काम है। अरे नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊंगा, तुम तो है ना मुझे मार दोगे, थैनोस तो बहुत ज्यादा इविल होता है। अरे नहीं फ्रैंकलिन मैं इविल नहीं हूँ, प्लीज मेरी बात मान। ये देख शिनचैन तो पानी से बाहर आना शुरू भी कर दिया। हाँ मुझे तो थैनोस से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अरे गाइस शिनचैन को डर नहीं लगता होगा, मुझे तो डर लगता है ना। पिंकी भाई डरने की कोई बात नहीं, थैनोस तो बहुत ज्यादा प्यारा है। अरे हाँ शिनचैन ने सही बोला, फ्रैंकलिन जल्दी से बाहर आ जाओ। अच्छा अच्छा गाइस ठीक है, चलो यार हाथी घोड़ा पाल की जय करने या लाल की, मैं इस पे भरोसा करके जाता हूँ। थैनोस एक बात बताओ यार, तुम सुधर कब से गए। अरे जब से अवेंजर्स से मेरी लड़ाई हुई थी और अवेंजर्स ने मेरी पिटाई लगाई थी, तब से मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और मैं एक अच्छा थैनोस बन चुका हूँ। अब मैं यूनिवर्स में ट्रैवल करता और सब लोगों की मदद करता हूँ, पर दूसरे मल्टीवर्स के थैनोस को ये अच्छा नहीं लगा, तो उन सब लोगों ने है ना एक टीम असेंबल कर ली है पूरे इविल थैनोस की आर्मी की। उनका जो बॉस है वो है ना मेरे से बहुत ज्यादा गुस्सा है कि अब मैं बहुत ज्यादा अच्छे काम करता हूँ, इसके लिए उसने मेरी पिटाई लगाई और मुझे हवा में फेंक दिया मेरे प्लेनेट के बाहर। मैं किसी तरह से वहाँ से UFO लेके बच के यहाँ पर आया हूँ। वो अब नेक्स्ट लॉस सैंटोस में आ रहे हैं, लॉस सैंटोस में तबाही मचाने, बहुत सारे इविल थैनोस लॉस सैंटोस में आएंगे और लॉस सैंटोस को बर्बाद कर देंगे। पिंकी भाई तो बहुत बड़ी गड़बड़ की बात हो गई। अरे हाँ यार बहुत ज्यादा गड़बड़ की बात हो गई, अब हम क्या करें यार। थैनोस तुम्हें कुछ बताओ यार, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, तुम इसको क्यों नहीं रोक देते। अरे फ्रैंकलिन मैं उनको नहीं रोक सकता, उन लोगों ने मेरी सारी पावर्स मुझसे छीन ली है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक इन्फिनिटी स्टोन बचा है और उसको भी मैं एक बार इस्तेमाल करूंगा तो वो खत्म हो जाएगा। अरे क्या ऐसी बात है क्या। गाइस हम क्या करें यार, अवेंजर्स भी अभी लॉस सैंटोस में नहीं है, वो मिशन में कोई दूसरी जगह गए। अरे फ्रैंकलिन मेरे पास एक सॉल्यूशन है, मैं तुझे एक अवेंजर में कन्वर्ट कर दूंगा। क्या तुम मुझे एक अवेंजर में कन्वर्ट कर सकते हो। पिंकी भाई जल्दी से एक अवेंजर बना दो, बहुत मजा आएगी। अरे मुझे तो स्ट्रांगेस्ट अवेंजर बनना, और सब लोगों को पता ही होगा गाइस ग्रीन हल्क ही सबसे स्ट्रांगेस्ट अवेंजर है, तो थैनोस सर तुम तो अपनी पावर इस्तेमाल करके मुझे ग्रीन हल्क में कन्वर्ट कर दो। अरे हाँ सोल स्टोन भी ग्रीन कलर का होता है, रुक जाओ मैं जल्दी से उसमें पावर सिलेक्ट कर लेता हूँ। पर ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी नहीं होना वाला, बहुत दर्दनाक होगा। अरे ये क्या कर दिया तुमने, मुझे पपी क्यों बना दिया। अरे ये सोल स्टोन की पावर है, अभी तुम रुक जाओ, थोड़ी देर में तुम्हें ग्रीन हल्क बन जाओगे। पिंकी भाई तुम तो कितनी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। अरे शिनचैन काट जाऊंगा ज्यादा, मेरा मजाक मत उड़ा। गाइस ये थैनोस ने क्या कर दिया भाई, मुझे पपी बना दिया। एक सेकंड रुक जा हाश गाइस, मैं तो एक ग्रीन हल्क बन चुका हूँ। और यार ये तो मेरे पास तो टोनी स्टूट का नैनो टेक्नोलॉजी वाला आर्मर है। अरे हाँ ये वाला सूट मुझे टोनी ने ही दिया था मेरे खुद के लिए, पर अब ये सूट मैं तुम्हें दे रहा हूँ। अरे पर यार मैं तो इस सूट का पावर लेवल चेक कर रहा हूँ, ये पावर लेवल इनफ नहीं यार, ये क्या करूंगा मैं, थैनोस की पूरे मल्टीवर्स वालों की आर्मी को कैसे हराऊंगा। अरे तुम्हें लॉस सैंटोस में पैसे कमाने पड़ेंगे और खुद को पैसों का इन्वेस्टमेंट करके ये सूट को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी तुम मल्टीवर्स के इविल थैनोस की आर्मी को हरा पाओगे। अच्छा अच्छा गाइस देखो मैं समझ गया हूँ, अभी थैनोस ने मुझे ना नॉर्मल ह्यूमन से ग्रीन हल्क में कन्वर्ट कर दिया है, पर मुझे खुद के पैसे कमाने पड़ेंगे। और गाइस ये देखो पैसे कमाने के लिए मैं यहाँ पे टैक्सी चला रहा हूँ, भाई कितने बुरे दिन आ गए, हल्क वाला टैक्सी चला रहा है, टैक्सी ले लो टैक्सी। गाइस पता नहीं यार मुझे अवेंजर बनने का मौका कब मिलेगा असली वाला। एक सेकंड गाइस ये क्या हो रहा है, पुलिस की इतनी तगड़ी नाकाबंदी क्यों है। रुक जाओ यार मैं यहाँ पे है ना टैक्सी को साइड में लगा के देखता हूँ, बाद में थोड़े पैसे कमा लूंगा, इधर थोड़ा अच्छा काम कर लूं। अरे भैया जी क्या हो गया यार, यहाँ पे क्या चल रहा है। अरे बाबा हमको कुछ पता नहीं है, हम तो इधर सिर्फ एक चपरासी का काम करता है। तुमको अगर आगे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम यहाँ पे जाके सुपरवाइजर सर से बात कर लो, टेंट में वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। अच्छा गाइस देखो सुपरवाइजर सर यहाँ पे काम करे, पर गाइस जो मैं मेरे हल्क के स्किल से पता लगा पा रहा हूँ, देखो यार मंकी गैंग ने यहाँ पे लॉस सैंटोस के सबसे बड़े पैसिफिक स्टैंडर्ड वॉल्ट पे डाका डाल दिया है और ये लोग सारे लोगों को बंदी बना के पैसे वैसे चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अरे हाँ बाबा साउंड्स अबाउट राइट। अरे सुपरवाइजर सर यार एक अवेंजर रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी। अरे वाह मेरे तो भाग ही खुल गए, एक अवेंजर मेरी मदद करने आ गया,
मैं यहाँ पे बहुत टाइम से परेशान हो रहा था, हमारी पुलिस अंदर नहीं घुस पा रही है। तुम जल्दी से जाके मेरे स्वॉट टीम के हेड से बात करो, वो तुम्हें प्लान ऑफ एक्शन बताएगा। अच्छा अच्छा ठीक है गाइस, देखो मैं यहाँ पे पहुँच गया। अरे तुम कहाँ अंदर जा रहे हो, रुक जाओ। तुम मानता हो तुम अवेंजर हो, पर उनके पास बहुत सारे अंदर हॉस्टेजेस है, अगर तुम उनको हराना चाहते हो तो पीछे के दरवाजे से एंट्री लो। अच्छा पीछे के दरवाजे से एंट्री लेनी पड़ेगी। हाँ, हमारे सोर्सेज बना रहे हैं कि यार उन लोगों ने वो डोर को गार्ड नहीं करके रखा है। अच्छा अच्छा गाइस समझ गया, देखो मंकी गैंग वालों ने ना पीछे वाले दरवाजे को गार्ड नहीं करके रखा है। रुको एक काम करता हूँ, मैं मेरी बंदूक निकालता और गाइस अंदर जाता हूँ। अरे हाँ यार, ये इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल सही थी, ये लोग ने पीछे वाला दरवाजा गार्ड नहीं किया, इनको लगा था यहाँ पे कोई नहीं आएगा। रुको यार यहाँ पे अंदर झाक के देखता हूँ, मेरी छोटी पिस्तल निकाल लेता और ये दरवाजा खोलता हूँ। अरे ये देखो, ये राम मंकी गैंग का मेंबर, देखते ही क्या बोल रहा है। कितने पैसे चुरा लिए, मजा आ गई, इतना सारा पैसा, पीछे वाला दरवाजा कोई नहीं देख रहा। अरे गाइस देखो, इसको तो पता है पीछे वाला दरवाजा कोई नहीं देख रहा, इसके लिए देखो मैं यहाँ पे वॉल्ट में अंदर घुस जाता हूँ। अब गाइस देखो, ये मंकी गैंग वालों का जो हेड है वो यहाँ पे बैंक में रॉबरी कर रहा है नीचे, ये देखो मैं घुस गया। अरे तुम नीचे कैसे घुस गए, मैंने मेरे इतने सारे पंटर लोग खड़े रखे थे ना, और यार तुम तो ग्रीन अवेंजर हल्क जैसे लग रहे हो, मतलब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए। प्लीज यार मुझे चोरी करने दो, मुझे पैसा बहुत अच्छा लगता है। अरे नहीं नहीं नहीं, चोरी करना गलत बात होती, तुमने सुना नहीं थे क्या। अरे प्लीज मुझे चोरी करने दो ना। गाइस देखो, मेरे को पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं एक काम करता हूँ, इस पे शिवाजी द बॉस वाली ट्रिक लगाता हूँ। अरे यार देखो, सुपरमैन की सस्ती कॉपी, मेरी बात सुन, अगर तुम ये अपनी चोरी का आधा पैसा मुझे दे दोगे तो मैं तुमको पुलिस को नहीं दूंगा। गाइस देखो, मैं इसके साथ ऐसा नहीं करने वाला, मैं इससे आधा पैसा ले लूंगा फिर भी इसे पुलिस में दे दूंगा। अच्छा तुम्हें ये मंजूर है क्या, डील पक्का? तुम आधा पैसा लेके मुझे यहाँ से जाने दोगे, मुझ पे पूरा अवेंजर का पावर यूज नहीं करोगे ना अपना? अरे नहीं नहीं, मैं पावर यूज नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। पैसे ले लूं क्या, बंदूक नीचे रख दो। नहीं नहीं, मैं बंदूक तो नीचे नहीं रखूंगा, पर तुम अपने आधे पैसे ले लो। गाइस देखो, फटाफट से ना मैं यहाँ से ना आधे पैसे मेरी जेब में डाल लेता हूँ। अब मैं यहाँ से बाहर जाने का नाटक करूंगा, फिर वो जब देख नहीं रहा होगा तब मैं इस पर हमला कर दूंगा। अच्छा लगा तुम्हारे साथ बिजनेस करके, अरे तेरी ऐसी तैसी, ये क्या कर दिया। गाइस ये देखो, सुपरमैन की सस्ती कॉपी की तो मैंने ढाकी चिकी कर दी, अब मैं जल्दी से इसको उठा के पुलिस में देने चलता हूँ। पर गाइस इसको पुलिस में दो, उससे पहले मुझे इसके सारे गैंग के पंटर लोगों को भी तो मारना पड़ेगा, उसके लिए अब मुझे छुपने की जरूरत नहीं। एक काम करता हूँ, फटाफट से कूद के आ जाता। अरे ये कौन हल्क आ गया, भागो भागो। अरे नहीं नहीं, तुमको कोई को भी भागने दूंगा। ये देखो गाइस, मैंने मारी एक बाइसाइकिल की, और ये इसको मैंने मारी कोनी, तेरी ऐसी तैसी लॉस सैंटोस के लोगों को बंदी बनाओगे। भागो 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 भागो, ये तो हल्क बहुत स्ट्रांग है। अरे नहीं नहीं नहीं, किसी को भी भागने नहीं दूंगा। अरे हल्क तुम क्या मार रहे हो इनको, तुम तो एक असली अवेंजर हो। अरे हाँ हाँ यार, ये तो बहुत छोटा काम है, मुझे तो अभी आगे जाके बहुत ज्यादा खतरनाक असाइनमेंट करना है। अरे तुम्हें क्या असाइनमेंट करना है? अरे वो टॉप सीक्रेट है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। गाइस देखो, अब मैं ये पुलिस वालों को तो नहीं बता सकता ना कि मल्टीवर्स की इविल थानोस की आर्मी यहाँ पे आ रही है, वरना पूरी लॉस सैंटोस में पैनिक फैल जाएगा। ये देखो लास्ट एनिमी है, इसको भी मैं मार देता। मार डाला। तो गाइस देखो, मैंने इसको भी मार दिया है। अरे यार अभी जल्दी से बाहर जाता हूँ। अरे पुलिस स्वॉट, अब तुम अंदर जा सकते हो, मैंने सारे दुश्मनों को मार दिया है और अब सारे हॉस्टेजेस सेफ है, और हाँ मैंने बिल्कुल पैसे भी नहीं लिए। अरे हाँ हल्क, तुम पैसे क्यों लोगे, तुम तो एक अवेंजर हो ना। अरे हाँ हाँ, एक अवेंजर हूँ अवेंजर हूँ। गाइस देखो, इनको क्या पता है, मुझे तो थानोस ने ग्रीन हल्क की पावर्स दी है, मेरे को टोनी स्टार्क के पास का सपोर्ट थोड़ी है। जल्दी से यहाँ पे जाता हूँ। अब गाइस देखो, जैसा थानोस ने बोला था, अगर मुझे है ना खुद को अपग्रेड करना है तो मुझे ऑनलाइन शॉप पे जाके पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ये देखो मैंने ऑनलाइन ग्रीन हल्क की शॉप खोल ली। अरे क्या हुआ गाइस, यार ये शॉप तो लॉक्ड है। जल्दी से यार देखो, तुम लोगों को वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में है ना ओपन लिखना पड़ेगा, तभी यार ये शॉप अनलॉक होगी। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में ओपन लिख दो, तभी ये शॉप अनलॉक होगी। गाइस क्या कर रहे हो, वो मल्टीवर्स के थानोस की आर्मी आ जाएगी। जल्दी जल्दी से वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में ओपन लिखो। अच्छा अच्छा गाइस चलो, थैंकफुल यार अभी तक तो तुमने ओपन लिख ही दिया। देखो शॉप अनलॉक हो चुकी है, अभी जल्दी से मेरे पास जितने पैसा और उसका इस्तेमाल करके है ना, मैं जल्दी से खुद को अपग्रेड कर लेता हूँ। और ये देखो गाइस यार, मैं एक नॉर्मल हल्क से एक निंजा हल्क में अपग्रेड हो गया हूँ। मतलब यार मेरी साइज भी बढ़ चुकी है, मेरी पावर भी बढ़ चुकी है, और मैं क्या मस्त यार एक निंजा हथौड़ी की तरह है ना के चादर लगा के उड़ पा रहा हूँ। कितना ज्यादा मजा आ रहा है गाइस, देखो कितना मस्त यहाँ पे सीनरी है। एक सेकंड यार, ये सीनरी तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पर गाइस तुमने नीचे कुछ नोटिस किया क्या, रोड के ब्रिज में एक साइड इतना सारा ट्रैफिक है और यहाँ पे इतनी सारी पुलिस क्यों खड़ी है? रुक जाओ, इनसे जाके बात करना पड़ेगा। अरे ग्रीन अवेंजर हल्क आ गया है, अब तो हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अरे अंकल जी बताओ तो सर, क्या हुआ? अरे ग्रीन अवेंजर हल्क यार, हम कब से अवेंजर्स को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, अवेंजर्स आ ही नहीं रहे, हमको उनकी जरूरत है। यहाँ पे यार पता नहीं कौन सा थानोस के डिस्ट्रॉयर्स की आर्मी आ गई है। अरे क्या, थानोस के डिस्ट्रॉयर्स की आर्मी आ गई है? गाइस वो मल्टीवर्स की इविल थानोस की आर्मी लगता है यहाँ पर आ गई, और उनमें से एक थानोस ने ये डिस्ट्रॉयर्स को यहाँ पे छोड़ दिया। अरे हाँ, इन्होंने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है और हमारी बंदूकें इनको मार नहीं पा रही, ये लोग को किसी अवेंजर से ही हारना पड़ेगा। अरे तुम चिंता मत करो गाइस, देखो मैं इन सब लोगों को मार दूंगा, तुम्हारी ऐसी तैसी। हम तुम्हें
में खत्म कर देंगे, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। अरे तुम किसी को भी छोड़ने की जरूरत ही नहीं गाइस, देखो दो डिस्ट्रॉयर्स को तो मैंने मार दिया, अब मुझे ये वाले डिस्ट्रॉयर को भी मारना है और इसको भी मारना है। पर गाइस ये दोनों उन दोनों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे इनकी थोड़ी ज्यादा कुटाई लगानी पड़ेगी। तेरी ऐसी तैसी तरह हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, हमारे बॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है। अरे हाँ हाँ मुझे पता है यार, तुम थैनोस के लिए काम करते हो और मल्टीवर्स के इविल थैनोस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर यार मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। ये खाओ खतरनाक मेरी बाइसाइकिल की, और ये भी तू कुन्नी खा। अरे तुमने मेरे लोगों पे हमला कैसे किया, तुम तो एक असली अवेंजर भी नहीं हो। अरे कौन बोल रहा है गाइस, ये देखो इविल थैनोस। अरे ये तो पास्ट वाला थैनोस है जो बहुत ज्यादा इविल है। मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, ये लो मिसाइलें खाओ। अरे इसकी ऐसी तैसी गाइस, ये क्या कर रहा है, इतनी सारी मिसाइलें मार रहा है मेरे ऊपर। ऐसे मिसाइलें मारता रहेगा तो मेरी तो चिट्टी बिट्टी कुल हो जाएगी, मुझे यहाँ पे गाड़ियों से दूर जाना पड़ेगा। अगर गाड़ियां फूट गई तो बहुत लोगों की जान जा सकती है गाइस, मैं वो नहीं होने दे सकता। जल्दी जल्दी से यहाँ पे भागना पड़ेगा, मुझे उसके ब्रिज के टावर के नीचे जाना पड़ेगा जिससे वो मुझे मिसाइल ना मार सके। जल्दी जल्दी बहुत स्पीड में जाना पड़ेगा। अरे नहीं टावर के नीचे मत छुपो, मैं तुम्हें मिसाइल कैसे मारूंगा। अरे अरे नहीं 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 मिसाइल नहीं मार रही देनी गाइस, वही तो आइडिया, देखो मैं मेरी निंजा हथौड़ी की स्किल यूज करके यहाँ पे टावर के ऊपर आ गया। अब ये मैं हल्क को भी नहीं छोड़ूंगा, हल्क को क्या मतलब थैनोस को नहीं छोड़ूंगा, तेरी ऐसी तैसी। अरे तुम इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तुम तो एक नकली अवेंजर हो, तुम एक असली हल्क भी नहीं हो, तुम तो एक इंसान की हो जिसको हल्क की पावर दी गई है। अरे हाँ हाँ हाँ, पर उसके बाद मैंने इतना महंगा हल्क का सूट जो परचेस कर लिया, अब तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। गाइस देखो जल्दी से यहाँ पे जाता और इसको मार डालूंगा, ये वाले थैनोस को। अरे तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गाइस, मुझे तो लगता है ये इविल थैनोस मर गया, रुक जाओ इसकी पॉकेट चेक करने दो। अरे गाइस ये क्या है, देखो इतने सारे पैसे। ओ माय गॉड गाइस, मुझे तो बहुत सारे पैसे मिल गए। अब इसका मतलब तुम्हें पता है ना, मैं वो ऑनलाइन शॉप को खोल के एक और बार खुद को अपग्रेड कर सकता हूँ। जल्दी जल्दी से काम करता गाइस, वो ऑनलाइन शॉप खोलता हूँ। ये देखो फोन निकाला, शॉप खोली। अरे गाइस क्या यार, फिर से शॉप लॉक हो गई, मतलब है ना लास्ट टाइम इनफ लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया था और कमेंट सेक्शन में ओपन नहीं लिखा था। गाइस देखो तुम लोग वीडियो को लाइक नहीं करोगे और कमेंट सेक्शन में ओपन नहीं लिखोगे ना, तो फिर यार ये शॉप बार बार लॉक हो जाएगी और अपग्रेड करने में ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो प्लीज मेरी मदद करो, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। देखो शॉप ओपन हो गई यार तुम्हारे अपग्रेड करते ही। और ये देखो यार मैं कितना मस्त यार विंग वाला रिवेंजर हल्क बन चुका हूं, और मैं एक नॉर्मल नहीं यार ग्रीन और रेड विंग वाला रिवेंजर हल्क बनाओ। गाइस यार मेरी पावर तो अब लिमिटलेस हो गई होगी, आई एम श्योर कि मैं अब वो है ना पक्के से थैनोस की मल्टीवर्स वालों की आर्मी को हरा पाऊंगा। जल्दी जल्दी से देखो उड़ के देखता हूँ, वाओ गाइस कितनी ज्यादा स्पीड में उड़ पा रहा हूँ। एक सेकंड गाइस, पर यहाँ पे मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है, ये क्या यार, ये कौन सा रेड हल्क आ गया है। अरे मार डालूंगा मैं को यार, थैनोस ने बनाया है मेरे को सोल स्टोन की पावर इस्तेमाल करके, मेरे मास्टर थैनोस ने बनाया है। अरे गाइस ये देखो जैसे यार मुझे ग्रीन हल्क की पावर दी गई, मुझे लगता है ये इंसान को रेड हल्क की इविल पावर दे दी गई है। अरे रेड हल्क यार तू गलत जन के लिए काम कर रहा है, थैनोस की मल्टीवर्स वाली इविल आर्मी बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज यार उनका पीछा करना छोड़ दे, तू मेरे लिए काम कर, अपने दोनों भाई भाई है। नहीं नहीं तू कमजोर है, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं थैनोस की आर्मी के लिए काम करता हूँ, उन्होंने मुझे शक्तियाँ दी है, देख क्या डोले शोले बन गए, मजा आ गई, मैं तुझे हरा दूंगा तो मुझे और भी अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। इधर आ पिद्दी, मैं तुझे मारूंगा। अरे नहीं नहीं गाइस देखो मुझे तो इससे लड़ना ही पड़ेगा, आई एम वेरी श्योर कि अगर मैंने इसको हरा दिया तो मैं थैनोस को तो हरा ही दूंगा, क्योंकि यार सबको पता है कि हल्क थैनोस से ज्यादा स्ट्रांग होता है। अरे नहीं मेरे मास्टर सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई मेरे मास्टर के बारे में ऐसा बोलने की। अरे नहीं गाइस देखो ये तो पूरा वो है ना थैनोस के वश में आ गया है, इविल थैनोस मतलब अच्छा वाला थैनोस ने जिसने अपने को पावर दी थी, रुक जाओ मेरे को इसकी कुटाई लगा दो। गाइस देखो यार ये मेरा नया फॉर्म से मुझे कितनी खतरनाक पावर्स मिल रही है, मेरे पास कितना अच्छा फॉर्म है, कितनी अच्छी टेक्निक है, और यार मेरी स्पीड भी बहुत ज्यादा है। जनरली हल्के पास स्ट्रेंथ होती है पर फॉर्म नहीं होता। अरे रुक जा तू किससे बातें कर रहा है, मैं तेरी चट्टी बना दूंगा, ये ले मार डाला, ये ले ये खावा थोड़ा। अरे गाइस ये तो सच्ची में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मैं इससे हाथों से लड़ाई नहीं कर सकता, मुझे इसके ऊपर मेरी एनर्जी ब्लास्ट मारने पड़ेगी, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। अरे चल फट पिद्दी। अरे गाइस देखो यार ये तो मेरे ऊपर बार बार पत्थर फेंक देता है, पर मैं ये एनर्जी ब्लास्ट से इसको पक्का हरा दूंगा। अरे रे कितने ज्यादा एनर्जी ब्लास्ट मारेगा, एक ही तो हल्कू। ठीक है जा मैं तो मर रहा हूँ। अरे गाइस यार ये कैसे मरने का तरीका हुआ। गाइस देखो अब मैंने एक रेड हल्क को मार दिया, तो आई एम वेरी श्योर कि यार मैं इसको मार दिया तो यार वो थैनोस की मल्टीवर्स की आर्मी को तो मैं पक्का मार दूंगा, अब मैं बिल्कुल भी रेडी हो चुका हूँ। अरे हल्क नहीं रुको, तुम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। अरे टोनी स्टार्क यार तुम तो मिशन से लॉस सैंटोस के बाहर गए थे ना, तुम कब आए। अरे जैसे ही मैंने सुना कि मल्टीवर्स की इविल थैनोस आर्मी लॉस सैंटोस पे हमला करने आ रही है तो मैं अकेला उनसे लड़ने
आ गया। पर आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास इतना खतरनाक ग्रीन हल्क टीममेट भी है। मैं ऑफिशियली तुम्हें एक अवेंजर बना रहा हूँ। अच्छा अच्छा, थैंक यू, तुम चिंता मत करो, मैं उनको जाके हरा दूंगा अकेला ही। अरे नहीं, तुम इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं हो थैनोस की मल्टीवर्स की इविल आर्मी को हराने के लिए। तुम्हें मेरे पीछे पीछे चलना पड़ेगा, और सबसे पहले एक ऑफिशियल अवेंजर बनने के लिए तुम्हें एक अवेंजर बनने का टेस्ट देना पड़ेगा, जो सारे अवेंजर्स को देना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मुझे ये वाला टेस्ट देना पड़ेगा, ये टेस्ट में मुझे करना क्या है? अरे देखो, ये एक बहुत ही खतरनाक अवेंजर का टेस्ट है, ये तुम्हें एक ऑफिशियल अवेंजर बना देगा। तुम्हें ये वाली बाइक पे बैठ के ये वाला अवेंजर का टेस्ट कोर्स कंप्लीट करना है। सारे अवेंजर्स को अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेबिलिटी प्रूव करनी पड़ती है ये वाले ऑब्स्टेकल कोर्स पे, और फिर तुम फाइनली यहाँ पे पहुंच जाओगे। तो रिवॉर्ड की तरह मैंने तुम्हारे पास इतना सारा पैसा, सोना, कैश, गाड़ी, सब कुछ रखा है। तुम इसको ऑनलाइन इन्वेस्ट करके खुद को अपग्रेड भी कर पाओगे। अरे गाइस देखो, इतना सारा पैसा, सोना, गोल्ड था जो टोनी स्टार्क मुझे दे सकता है। भाई अभी तक तो मैं चिल्लर के लिए ना लड़ाई कर रहा था लोगों से। अरे हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला, तुम ये सारे पैसे का इस्तेमाल करके खुद को एक जायंट हल्क में कन्वर्ट कर पाओगे। फिर तुम लॉस सैंटोस के सबसे पहले अवेंजर बन जाओगे जो एक जायंट हल्क है। ओह माय गॉड गाइज, मेरे पास इतना बड़ा ऑनर होगा कि मैं लॉस सैंटोस का सबसे पहला बड़ा वाला जायंट हल्क बनूं। चलो एक काम करता हूं, जल्दी जल्दी से नए ऑब्स्टेकल कोर्स को करने लगता हूं। अरे गाइज, पर यार ये रैंप तो पूरा बर्फ का बना है, मुझे इस पे बैलेंस करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है। नहीं नहीं, पर मैं कर लूंगा। गाइज देखो, थैंकफुल यार मेरे पास ये विंग्स है, जबकि मैं हवा में चला जाता हूं तो मैं खुद को बैलेंस कर पाता हूं, और ये विंग्स का इस्तेमाल करके मैं खुद को थोड़ा सा स्टेबल भी कर पाता हूं। रुक जा, तेरी ऐसी तैसी। नहीं 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 गाइज, देखो मैं उस विंडमिल से थड़ा गया था तो भी है ना, मैंने खुद को बैलेंस करके खुद को यहां पे लैंडिंग करवा ली, और अभी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ। अरे यार ये एरिया तो मुझे निकलने नहीं दे रहा। कोई बात नहीं गाइस, देखो मैं यहाँ पे फिनिश लाइन तक पहुँच गया। अरे वेरी गुड ग्रीन हल्क, जल्दी से सारा पैसा ले लो, इसको इन्वेस्ट कर दो और खुद को अपग्रेड कर लो। अरे हाँ हाँ गाइस, देखो सारा पैसा ले लिया और ऑनलाइन शॉप तो पहले से अनलॉक ही थी। देखो गाइस, तुम लोगों के सपोर्ट के कारण लास्ट टाइम आई थिंक सब जनों ने वीडियो को लाइक कर दिया और कमेंट सेक्शन में ओपन लिख दिया। इसके लिए जैसे ही मैंने शॉप खोली, मैं ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो गया, और देखो यार मैं कितने खतरनाक जायंट हल्क में कन्वर्ट हुआ। भाई ये कैसा जायंट हल्क है? अरे मेरे को तो लगता है तुम्हारे पास सोल स्टोन की पावर थी ना, इसके लिए तो इतने स्ट्रांग हो। हाँ हाँ, इसके लिए इतना स्ट्रांग हो। देखो गाइस, ये मल्टीवर्स वाले थैनोस की इविल आर्मी भी आ गई है, ये 3 UFO लेकर आए यहाँ पे, और ये देखो और यहाँ पे खड़े, पर मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। अरे तुम्हें क्या लगता है, तुमने एक थैनोस को हरा दिया जो इविल था, तो तुम हम सबको हरा दोगे? नहीं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मल्टीवर्स के थैनोस की इविल आर्मी है हम इविल। अरे गाइस देखो यार, ये तो कितने पिद्दी पिद्दी से हल्क लग रहे। अरे हल्क नहीं, आई मीन थैनोस लग रहे, मैं तो कितना जायंट हल्क हूं। अरे ही, तो भले ही बड़ा जायंट हल्क है, पर यार मेरे पास और सब दूसरे थैनोस के पास भी इन्फिनिटी स्टोन्स है, और मेरे पास बड़ी बड़ी तलवारें भी है। अरे बड़ी बड़ी तलवारें गई घास खाने यार, तू मेरी साइज तो देख बाबूजी कितनी बड़ी है। अरे वाह, सच्ची में इसकी साइज तो कितनी बड़ी है, मेरे को तो पिचका दिया। गाइस देखो, मैंने एक थैनोस को तो पिचका दिया, ये दूसरे वालों को भी पिचका देता हूं। अरे बाबू हमको छोड़ दो, हम तो यहां पे सिर्फ किराए के एक्टर की तरह आए हैं। अरे नहीं नहीं, कोई किराए के एक्टर की तरह नहीं है, तुम भी एक ही थैनोस ही है। अरे बाबू को शायद मार ही डाला। गाइस देखो, अब मुझे थैनोस की सारी शिप्स को भी डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये देखो, ये दो शिप तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दी, बस ये आखिरी जो मेन वाली रेड वाली शिप है, मुझे इसको भी मारना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको उठाता और इसको पानी में थोड़ी देर डुबो के लेकर आता हूँ। दूसरी वाली शिप तो मैंने पार मार मार के है ना डिस्ट्रॉय कर दिया। तो गाइस देखो यार, मैं इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया, इतना ज्यादा अपग्रेड हो गया, वो भी तुम लोगों के सिर्फ सपोर्ट के कारण। यार पहले तो मुझे डाउट था कि मैं इनकी आर्मी से लड़ पाऊंगा अभी नहीं, पर यार मैंने तीनों को एक ही अटैक में हरा दिया गाइस, और ये सब मैं तुम लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल भी नहीं कर पाता। इसके लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू यू गाइस, थैंक यू। तो गाइस यार, कमेंट सेक्शन में सब जन अपना नाम लिख देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि मुझे थैंक यू किसको बोलना है। और गाइस देखो, वीडियो अच्छा लगा हो तो बहुत मेहनत से बनाया, वीडियो को लाइक करना, और यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है ये भी देखो, ये भी बहुत अच्छा है। तो चलो यार, मैं और ग्रीन हल्क मिलेंगे तुम्हें GTA 5 के अगले एपिसोड में। बाय बाय।